मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप साझेदारी पार्ट टू, यानी कि मैंने पार्ट वन ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट वन भी देख सकते हैं, जिससे आप और भी अच्छे से आप पार्टनरशिप को समझ सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप आज हम थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें जो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों मिलकर एक व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसमें ए बी और सी ने मिलकर इस प्रकार पूंजी निवेश की है कि एक कुल पूंजी का, मतलब ए अपनी कुल पूंजी का 4 गुना, बी अपनी पूंजी का 5 गुना, सी अपनी पूंजी का 6 गुना, ठीक है, तीनों परस्पर बराबर हो। ठीक है, क्या है, परस्पर बराबर है। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 14,800 लाभ के रूप में प्राप्त होता है या मिलता है, तो उसमें से ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें, जैसे हम पहले करते थे क्वेश्चन में कि हमें पूंजी दी होती थी तो हम पूंजी नीचे रख लेते थे, ठीक है, और उसका रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि उसने पूंजी नहीं दी है, उसने हमें लाभ दिया है, और अब बोला है उसने कि 4 गुना, 3, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इन तीनों का हिस्सा जो है बराबर बराबर है। ठीक है, तो हम करते क्या है, इन तीनों को बराबर कर लेते हैं। जैसे कि हमने मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप देखिए, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर रखा है। ठीक है, देखिए हम इस प्रकार से रख लेंगे, ए 4 गुना, बी 5 गुना, सी 6 गुना। ठीक है, अब इसमें हम करना क्या है, हमें इसका एक वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एक सरल सी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सरल वैल्यू निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। हमने 4, 5, 6 का एलसीएम लिया तो वो है आया 60। ठीक है, 60 हमने डिवाइड में रखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू रखी तो 12, देखिए 15, 12 और 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तो हमारी वैल्यू सिंपल हो गई, अब यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारे पास टोटल कितना दिया था, हमारे पास टोटल दिया कितना था, हमारे पास दिया था टोटल 14,800। ठीक है, किसका, ए बी सी का मिलाकर। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और सी का टोटल कितना आया, हमारे पास ए बी सी का टोटल कितना आया, 37। ठीक है, कितना आया, 37 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है किसका हिस्सा निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है भाई, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 15 है, कितना है, 15 है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी, आ गई यहाँ पर वैल्यू आएगी 400। कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 400। ओके, तो देखिए 400 तो आया इसकी वैल्यू, यानी कि 4A की, 4A की वैल्यू कितनी, देखिए A की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास A की वैल्यू कितनी आई, 400। लेकिन हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, 4A की, क्योंकि वह 4 गुनी लगा रहा है। ठीक है, तो A की, देखिए A की पूंजी कितनी आएगी, पूंजी आएगी 4A। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 4 × 400, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, देखिए यहां पर कितना आया, यहां पे ये 4,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर 400, यहां पर 4,000 है। ठीक है, 4 × 16 और ये 16,000। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ए बी और, देखिए ए बी दो साझेदार। देखिए अब क्या होगा, अब क्वेश्चन बेस्ड है, जब व्यापार से पैसा निकाल दिया जाए या फिर पैसा लगा दिया जाए। ठीक है, कोई बीच में आकर पैसा लगा दे या फिर पैसा निकाल ले। ठीक है, तो देखिए बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए और बी दो साझेदार हैं, ठीक है, जिसने क्रमशः 45,000, 60,000 रुपये लगाकर व्यापार करते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद सी उस व्यापार में, ठीक है, 75,000 लाख लगाकर शामिल हो जाता है। ठीक है, उसने 75,000 रुपये लगाया और शामिल हो गया। ठीक है, और उसके 2 महीने बाद, यानी कि सी के 2 महीने बाद, सी ने कितने, 6 महीने, यानी कि 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है। ठीक है, अपनी पूंजी क्या होता है, अपनी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, यदि अंत में ए को
बी से 4,000 अधिक लाभ मिला हो तो उन्हें कितना रुपए लाभ मिला होगा, मतलब उन्हें मतलब सभी को कितना लाभ मिला होगा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें देखना है कि देखिए जो ए है वो 12 महीने तक काम करेगा, ठीक है, बी जो है 6 महीने तक काम करेगा, और सी कितना है, 6 महीने तक काम करेगा, और बी जो है 8 महीने तक काम करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी और सी उतार लेते हैं, ठीक है। तो ए कितने महीने, ए की कितनी है, जैसे कि हम जानते हैं पूंजी हम उतारते हैं पहले, ये 60,000 लिख लिया हमने, और सी कितना है, सी 75,000 पूंजी लगाई भाई, ठीक है। तो सी कितने महीने बाद आता है, 6 महीने बाद, ठीक है। बी देखिए सी के 2 महीने बाद बी चला जाता है, ठीक है, 2 महीने यानी कि 8 महीने हो गए, और ए जो है 12 महीने तक काम करेगा। ठीक है, इसमें जो कॉमन कॉमन आ रहा है, 3 जीरो कॉमन आ रही है इनकी, 3 जीरो कॉमन आ रही है इनकी, 3 जीरो कॉमन आ रही है, तो ये ने काट दिया, ठीक है, हमने क्या इसको काट दिया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये पूरा कितना आएगा, 18, ठीक है, 16 और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि टू जो कितना है, अंत में ए और बी से, मतलब ए को बी से, मतलब जो ए है ए को बी से, यानी कि जो ए है उसको बी से कितना लाभ मिल रहा है, 4,000, ठीक है, 4,000 अधिक मिल रहा है, ठीक है। उसने बोला है हमें तो उन्हें कितना लाभ मिलेगा, मतलब टोटल सबको कितना लाभ मिलेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, कितने का डिफरेंस है, 2 का, और टोटल वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ए बी सी, तो देखिए 15, 16 और 18 कितना हो गया, 49, कितना हो गया, 49। तो ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा टोटल हमारा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम हमें जब अंतर दिया हो तो हम अंतर उनका ही लिखते हैं, और टोटल दिया है तो हम टोटल ले लेते हैं, टोटल वैल्यू निकाल ली हमने, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। देखते हैं अगली अगला ये क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर जो गुणा जब इंटू करेंगे तो ये 98,000 आएगा, कितना आएगा, 98,000 आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी मिलकर व्यापार पर आराम करते हैं, ए पूरे वर्ष यानी 12 महीने, और 12 महीने 20,000 लगाता है, बी पहले 30,000 लगाता है और 4 महीने बाद यानी कि 4 महीने बाद 10,000 और लगा देता है, सी पहले 40,000 रुपये लगाता है और 9 महीने बाद 10,000 निकाल लेता है, यानी इसने निकाल लिया, ठीक है। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 4,750 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए को कितने लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि ए को कितना लाभ मिलेगा, कितने महीने बाद बोला है उसने, वर्ष के अंत में, ठीक है। तो पहली बात तो हमें क्या दिया होता है, हम लोग इसको टोटल निकाल लेते हैं, टोटल मतलब कि जो हमें लाभ वगैरह दिया होता है, तो 47,500, 47,50 हमें लाभ दिया है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू देखते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालनी हमें, तो ए बी और सी, ठीक है। देखिए बी ने कितना लगाया, सॉरी ए ने कितना लगाया, 20,000, कितना लगाया, 20,000। तो ये 20,000 कितने टाइम के लिए लगाया, 12 महीने के लिए, ठीक है। अब बी ने बोला कि ये लगाएगा 30,000 रुपये, कितना लगाएगा, 30,000 रुपये, ठीक है, कितने महीने के लिए लगाएगा, ये तो 12 महीने के लिए लगाएगा, लेकिन इसके बाद वह 4 महीने के बाद 10,000 रुपये और लगा देगा, कितने, 4 महीने बाद, यानी कि बचे कितने, 4 महीने, 12 महीने के बाद 4 महीने कितने कितने लगा देगा, ये कितने लगा देगा, 8,000 और लगा देगा, ठीक है। एक्चुअल में देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर हम 12 नहीं करेंगे, ये टोटल 12 लगा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर 8 लगा रहा है, तो यहाँ पर 4 लगाया, कितना लगाया, यहाँ पर 4 महीने ही लगाया, क्योंकि टोटल महीने 12 हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम जोड़ें तो टोटल महीने 12 हो रहे हैं, ठीक है। अब सी की बारी, सी लगाता है पहले तो 40, ठीक है, फिर वह उनका बोलना है 40 लगाता है, उसके बाद वह 10,000 निकाल लेता है, तो 10,000 निकाल लेता है, तो 10,000 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 30,000 जोड़ देंगे, क्योंकि 30,000 बचे, ठीक है। तो उनका बोलना है 9 महीने बाद, 9 महीने यानी 3 यानी 9, 12 में से 3 घटाए तो कितने बचे,
12 में से 9 घटाए तो 3 बचा, और यहाँ पर कितना लगाएगा वो, 40 को तो वो लगाएगा ही, ठीक है, 40 को लगाएगा 9 महीने, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हमने इसको क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। अब इस जिसमें भी जो भी जीरो दिए हैं वो काट देते हैं हम, ठीक है, जीरो दिए वो काट देते हैं और वैल्यूज़ को हम काट देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी हम काट देते हैं तो यहाँ पर आएगी 24, ठीक है, और बी का आएगा हमारा 44, ठीक है, और सी आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो अब उसने हमें टोटल दिया है, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल दिया तो टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आप देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिया है, इसने हमें सारा जो टोटल है वो टोटल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 47,500 में दिया है तो 47, सॉरी 47,50 दिया है, 47,50 हमने कर लिया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 113 आ जाएगा हमारा। और निकालना क्या है, एक ही लाभ निकालना है, ए का लाभ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए का लाभ निकालना है, ठीक है। तो ए का लाभ निकालेंगे हम तो देखिए कितना, देखिए यहाँ पर आएगा इसकी, इसको काटेंगे तो हमारे पास 750 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 750 इंटू 24 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 750 इंटू 24 करना पड़ेगा, इसको काटेंगे तो, ठीक है, ये इसको काटेंगे 13 को तो ये 750 आ जाएगा, इंटू 24 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 कितना आएगा, ई की जो वैल्यू है, ई का जो लाभ है वह 18,000 आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये इस प्रकार से आया, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें करीना, कैटरीना और करिश्मा, ठीक है, तीनों मिलकर व्यापार करते हैं, ठीक है, क्रमशः करीना ने 25,000, करिश्मा ने 40 और कैटरीना ने 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाए, ठीक है। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि 15,000 रुपये और लगा दिए। करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। 8 महीने बाद कैटरीना ने 20,000 रुपये, 20,000 रुपये व्यापार में लगा दिए, मतलब दोबारा लगा दिए, ठीक है। यदि यदि वर्ष के अंत में उन्हें 18,000, सॉरी 12,800 रुपये का लाभ हुआ तो कैटरीना का हिस्सा क्या है, ठीक है, यानी कैटरीना का हिस्सा बताना है और 12,800 इसका लाभ है। तो लाभ जो होता है वो हम टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितना है, 12,800, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं करीना, करिश्मा और कैटरीना, ठीक है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एक वैल्यू निकालना है, हमें पूंजी दी है, ठीक है, तो पूंजी दी है करीना, करीना जो है वह 25,000 लगाती, कितनी लगाती स्टार्टिंग में, 25,000, ठीक है, 25,000 जो लगाती है, ठीक है। उसके बाद 4 महीने बाद, 4 महीने बाद देखिए अब करीना जो है 4 महीने बाद 15,000 रुपये और लगा देती है, कितने और लगा देती है वह, देखिए यहाँ पर कितनी लगाएगी वो करीना, 25,000 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर करीना लगा देगी 40,000 और, कितने लगा देगी, 40,000 और लगा देगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, करीना जो है 15,000 रुपये और लगा देगी, यानी कि 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40,000 रुपये हो गया, कितना हो गया, 40,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये कितने महीने के लिए लगाएगी, ये लगाएगी 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीने बाद 12 में से 4 गए तो 8, और ये कितना बचा, ये बचा हमारा 4, ठीक है, हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं, ठीक है। अब करिश्मा की बारी आ गई, करिश्मा ने पहले लगाए थे 40,000, हम इसका उतार लेते हैं 40, ठीक है। तो अब इसका कहना क्या है, तो ये बोलता है 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद 10,000 निकाल लेती है, यानी 30,000 रुपये बचे, कितने बचे, 30,000 अपने पास, 30,000। तो देखिए 6 महीने बाद, तो 6 महीने ये बचे और यहाँ भी 6 महीने बचे, ठीक है, तो ये इसका हो गया करिश। अब कैटरीना की बारी आ गई, अब कैटरीना ने बोला 30,000 रुपये लगाया, कितने लगाए, 30,000 रुपये लगाए, ठीक
ठीक है। तो अब उसने बोला 30,000 रुपये लगाए, ओके, और 8 महीने बाद कैटरीना ने व्यापार में कितनी और लगा दी, 20,000 रुपये लगा दी, यानी टोटल कितना हो गया इसका, ये हो गया 50,000 8 महीने बाद, यानी कि 8, 4 और 8, ये 12 होगा, ठीक है। 8 महीने बाद यानी कि बचे कितने महीने, 4 महीने बचे, ठीक है। तो हम इन लोगों इस सारी चीज़ों को प्लस कर देते हैं, और जो इनकी जो जीरो है, जिनकी जो 3-3 0 है, 3-3 0 कॉमन आ रही है, यहाँ से हम काट देते हैं, 3-3 0 कट जाएंगे, ठीक है। तो सारा काटने के बाद हमारे पास बचेगा 42, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर भी 42 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 44, ठीक है। अब फिर इसको और काट देंगे, ये कोड 200 कट जाएगा, ठीक है, ये भी 21, ये 22, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, इसकी ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास पता है हमें कि टोटल लाभ कितना था, हमारे पास टोटल लाभ था 12,800, और हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, कैटरीना का हिस्सा, तो कैटरीना का हिस्सा 22 है, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना है, इन तीनों का टोटल हमारे पास आएगा 21, 21 और 64 हमारे पास आ गया, ठीक है, और कैटरीना 22, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो हमारे पास सीधे सीधा आ जाएगा 44,000, क्या आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा, यानी कैटरीना का जो हिस्सा है वो कितना आएगा, लाभ का हिस्सा है वह कितना आएगा, देखिए जो पूरा हिस्सा है वो कितना आएगा, 44,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा और, यहाँ पर 1 लाख कितना है, 1,12,000, तो यहाँ पर 1,28,000 रुपये क्या है, यहाँ पर 1,28,000 रुपये, 28,000 कर लीजिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पर 44,000 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगर इसको नहीं हटाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना जाएगा, यहाँ पर 4,400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,400 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा आंसर सही जाएगा, यहाँ पर 44,000 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।